कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइज, आज है हरियाली मावस्या और आज हमने बुलाया है पंडित जी को खाना खाने घर पे। तो वैसे तो हम बुलाते ही हैं हर अमावस्या को, तो मैंने यहाँ दीदी को भी बुलाया है, भाभी को भी बुलाया है। तो थोड़ी देर में मैं किचन में जाऊँगी खाने की प्रिपरेशन के लिए। खाना तो वैसे थोड़ी देर आधा मैंने छोले आलू तो बना ही लिए हैं, और आलू गोभी बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी और पूड़ी बनाएंगे, और दही बड़े का प्रोग्राम है तो दही बड़े भी बनाएंगे। पहले बना रही थी मैं बूंदी का रायता, तो फिर सोचा चलो दही बड़े बनाते हैं, सब लोग आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं, हंसी मजाक होता है, बातें होती हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सावन शुरू हो चुके हैं तो सावन में तो और भी अच्छा लगता है, हरे हरे कलर की सारी, हाँ, ग्रीन ग्रीन हर जगह ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, आपको मेरे पीछे भी ग्रीन दिख रहा होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक कहते ना थीम से चल रही होती है, वही थीम चल रही है अभी ग्रीन की। तो अभी सावन भी शुरू हो चुके हैं और जो व्रत रखते हैं उन्हें सब कुछ मालूम होगा कि हर सोमवार को व्रत रखते हैं, और बड़ा मज़ा आता है, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, इन दिनों में भगवान जी पे बेलपत्र चढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए बातें करूँ कम और किचन में जाती हूँ और खाने की प्रिपरेशन चालू करती हूँ, जो मैंने तैयारी करके रखी है। बस सब्जियों में तड़का लगाना है, बस वही बाकी रह गया था। फिर पंडित जी का खाना खाने का टाइम भी हो जाएगा, नहीं तो मैं आप लोगों से बातें बनाती रह जाऊंगी। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं किचन की हालत क्या हो चुकी है, और यहाँ बन रहा है खाना। तो खाने में मैंने बनाया है आज, अभी मैं पुलाव बनाऊंगी और एक तरफ गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गोभी आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने ऑयल में टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा खड़ा तेज़पत्ता और दालचीनी और एक कमल डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला है इसमें मैंने अभी। और अभी कुकर रख दिया है एक तरह, इसमें हल्दी भी नहीं डाली है। हाँ, तो ये मसाला मेरा, और एक तरह कुकर चढ़ाया है, कुकर में डालूंगी सनफ्लावर ऑयल, एक तरह में पुलाव बनाऊंगी। तो मैंने ऑयल डाल दिया है, तो गाइस इसमें मैं डालूंगी अब शाही जीरा और अदरक का पेस्ट। और जो आज खाना बना है बिना लहसुन प्याज का बना है, और इसमें आज लहसुन प्याज नहीं है क्योंकि खाना खाने के लिए बुलाया है पंडित जी को। और फिर डालूंगी मैं दो हरी मिर्च, फिर खड़े मसाले डालूंगी इसमें, तेज़पत्ता और दो बड़ी इलायची, 60 प्याज मैंने हरी इलायची ली है, 10 लौंग ली है, और थोड़ी सी मैंने इसमें लौंग और सॉरी वो डाला है दालचीनी स्टिक डाली है। तो ये सब मसाले डालूंगी खड़े और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये पुलाव कम से कम 10 से 12 लोगों के लिए बन रहा है। और मैंने आलू और गाजर फ्राई करके रखे थे तो वो भी डाल दिए हैं, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी सी डाले हैं मैंने मटर, अब इन सबको मैं मिक्स करके अच्छे से मिला लूँगी। इधर मेरा आलू गोभी का मसाला भी, जो मैंने टमाटर डाले थे वो गल चुके हैं, अब मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर डालूँगी 4 से 5 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें गरम मसाला। जीरा पाउडर डालना मैं भूल गई, जो मैंने आलू कट करके रखे थे, और गोभी मैंने कट करके उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, क्योंकि इस सीज़न में थोड़ी सी गोभी अच्छी नहीं आती है, स्मेल आती है। गोभी तो वैसे अच्छी थी, देसी गोभी है, मगर फिर भी इस मौसम में गोभी को थोड़ा सा बॉईल कर लेना चाहिए, जिससे कि इसमें से सारी गंदगी बाहर निकल जाए। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर नमक ऐड करूँगी बाद में। इन सबको अच्छे से मिला के एक तरफ मैंने रख दिया है।
तो सब्ज़ी में मैंने डाला है काला मसाला जो घर पे रेडी किया जाता है, तो वो 2 चम्मच डाला है। और फिर डालूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। और चावल को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगा के रख दिया था, तो काफ़ी अच्छे फूल गए थे। तो मैंने 4 कटोरी चावल लिए थे और इनको अच्छे से हल्के हाथों से मिलाना है। अगर जल्दी जल्दी मिलाएंगे तो चावल टूट सकते हैं, तो इनको हल्के हाथों से मिला लिया है। और फिर इसमें मिलाऊंगी मैं पानी। पानी इसका जस्ट डबल लेते हैं, मगर वो डबल नहीं लूंगी क्योंकि चावल पहले से ही गले हुए थे। तो मैं लूंगी इसमें पानी 6 कटोरी और इसको 1 सीटी लगाऊंगी क्योंकि चावल काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। इधर आलू गोभी की भी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और छोले आलू भी बच चुके हैं और मैंने दही बड़े भी तैयार करके फ्रिज में रख दिए हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो खट्टे हो जाते हैं, तो रेडी करके मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। जब खाएंगे तो उसमें हम नमक मिला के काला नमक मिलाऊंगी। और मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, तो मैं कभी दही बड़े बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। इधर किचन में पूड़ी सीख रही हैं दीदी और भाभी, पूड़ी बना रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था आज घर में। पंडित जी खाना खाने आ चुके हैं, अंदर खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और अपनी राय साझा मुझसे ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।